नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। नेशनल हाईवे एक बार फिर खून से रंगा। मनगमा के पास रॉन्ग साइड से आ रहे टिप्पर ने बाइक सवार को मारी ठोकर, एक की मौत, एक गंभीर मृतक मणिपुर के मनगमा थाना चौकी गगेव का रहने वाला। नेशनल हाईवे एक बार फिर खून से रंगा। तेज रफ्तार रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल टकराई, 16 साल के लड़के की हुई मौत, दूसरा गंभीर एक्सीडेंट मनगवा से गंगेव के बीच में हुआ। हम आपको बता दें, अंकुश पिता श्री शरण सिंह, उम्र 16 साल, मणिखुर्द मनगवा चौकी गंगेव का रहने वाले थे। पिताजी की तबीयत खराब थी, उनकी दवाई खत्म हो गई थी। दवाई लेने अंकुश सिंह और रवि सिंह मोटरसाइकिल से निकले थे मनगवा के लिए। मनगवा पहुंचे, दवा खरीदी, दवा लेकर लौटते समय अपने साइड से जा रहे थे, तभी एकाएक रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार ट्रैक्टर सामने से आ गया। जब तक ये दोनों लड़के कुछ समझ पाते, उनकी बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ट्रैक्टर की रफ्तार काफी तेज थी, रॉन्ग साइड में भी था, जिसकी वजह से अंकुश सिंह और रवि सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। अंकुश को कुछ ज्यादा ही चोट आई थी। तत्काल ही दोनों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाने का इंतजाम किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही अंकुश की मौत हो गई। वहीं रवि भी गंभीर रूप से घायल हैं, उनके बचने की उम्मीद भी कम है, ऐसा डॉक्टर और परिजन मान रहे थे, जिसके चलते परिजन उनको इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में लेकर संजय गांधी अस्पताल से रेफर करा के चले गए, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हम आपको बता दें, नेशनल हाईवे रीवा प्रयागराज मार्ग में जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं, उसको देखकर साफ तौर से हम कह सकते हैं ये हादसों का मार्ग बनकर रह गया है। लगातार एक्सीडेंट और मौतें इस सड़क का चोली दामन का साथ हो गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहे एक्सीडेंट और मौतें कई सवाल भी खड़े करते हैं। इस सड़क को लेकर, सड़क की बनावट को लेकर, हालांकि पिछले दिनों कलेक्टर रीवा ने अपनी टीम के साथ पूरी सड़क का निरीक्षण किया था। कई जगह कलेक्टर रीवा और पुलिस अधीक्षक पैदल भी चले थे, उचित दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उसका कोई बेहतर परिणाम अभी तक नहीं निकला। शायद उनका निर्देश महज निर्देश बनकर ही रह गया। अंकुश की मौत को लेकर हम कुछ ऐसा ही कह सकते हैं, गलत दिशा से ट्रैक्टर आया, जिसकी वजह से 16 साल के लड़के की मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से टकराई, उसकी मौत हो गई इलाज मिलने के पहले ही। हमने एक्सीडेंट को लेकर अंकुश के परिजनों से बात, उनका साफ तौर से कहना था, पिताजी की तबीयत खराब थी, पिताजी की दवाई खत्म थी, वो दवाई लेने के लिए मनगवा आया था। यहाँ से लौटते समय रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से उसकी मोटरसाइकिल भिड़ गई, जिसमें अंकुश की संजय गांधी अस्पताल पहुँचने के पहले ही मौत हो गई। वहीं रवि, जो दूसरा आदमी मोटरसाइकिल में सवार था, काफ़ी गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल पहुंचा था, लेकिन उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। परिजन उसको इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल से अन्यत्र लेकर चले गए। सुन, हुआ कल शाम को हुआ है, बाइक और ट्रैक्टर से हो गया। भाई बाइक चला रहा था और सामने जो ट्रैक्टर जो था उसकी साइड में था, मुझे गाड़ी ढुक गई है दोनों की आपस में, और एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस से आदि वाले क्या है, रास्ते में ही डेथ हो गई भाई। क्या नाम था उनका? अंकुश सिंह। किस थाने का मामला, कहां पर हुआ एक्सीडेंट? मनगमा। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।